और नॉर का जो यूज है वो इंग्लिश के अंदर बहुत ही कॉमन है, लेकिन दोस्तों इसका यूज करते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो नीदर के बाद पार्ट ऑफ स्पीच आता है, नॉर के बाद भी वही आना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ही हैज नीदर स्पोकन नॉर रिटन एनीथिंग ड्यूरिंग हिज वाइवा। उसने अपने वाइवा के दौरान ना तो कुछ बोला ना ही कुछ लिखा। सो दोस्तों देखिए, स्पोकन क्या है? स्पोकन भी एक वर्ब है, और रिटन क्या है? रिटन भी एक वर्ब है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर नीदर के बाद तुमने एडजेक्टिव यूज किया है, तो नॉर के बाद भी एडजेक्टिव, एडवर्ब तो एडवर्ब, दोस्तों क्लॉज तो क्लॉज, फ्रेज तो फ्रेज। हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसको यूज करते हुए। लेकिन मैं ऊपर वाले सेंटेंस में देखो क्या लिखा, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। मैंने इस जगह नाउन यूज किया, इस जगह मैंने प्रोनाउन यूज किया। दोस्तों इसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर दूंगा,